हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर PST न्यूज पर। आज की जो वीडियो में बात करेंगे हम आजमगढ़ श्रेय तिवारी केस। बेटी तो वापस नहीं आएगी, लेकिन अब फफक पड़े श्रेय के पिता। कही ये बात। श्रेय तिवारी की त्रयोदशी के अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उन्हें उसके घर पहुंचे लोगों ने दिव्यांग को नमन करके उसके चित्र पर अपनी पुष्पांजलि अर्पित किया। इस कार्यक्रम में पहुंचने वालों की संख्या तो काफ़ी रही, लेकिन भोज कार्यक्रम में कोई शामिल नहीं हुआ। सभी की संवेदना दिव्यांग छात्र की शांति देने के प्रति नजर भी आई है। आपको बता दें, छात्र श्रेय तिवारी की 13वीं शुक्रवार को स्वजन के आंसुओं के साथ संपन्न हुई है। अपनों के बीच बैठे श्रेय के पिता ऋतुराज तिवारी अचानक फफक पर पड़े और कहा कि बेटी तो अब नहीं आने वाली, लेकिन उसकी आत्मा की शांति के लिए हर दरवाजा खटखटाऊंगा जहाँ से न्याय की उम्मीद होगी। CM योगी, हाईकोर्ट तक न्याय गुहार लगाऊंगा। उन्होंने कहा, इस तरीके से आरोपित को बरी कर देना कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उच्च न्यायालय तक न्याय की गुहार लगाएंगे। उधर श्रेय की मां नीतू को लोग डांडस बांधते रहे। बेटी की 13वीं के दिन मां के विलाप से लोगों का कलेजा फटा सा नजर भी आया है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ।